हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं BMTC 131 कोर्स कोड। तो इसका हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, तो उसी वीडियो को, उन्हीं पार्ट्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 3x अपॉन साइन एक्स। ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बता देती हूँ एक फॉर्मूला। अगर लिमिट x अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन, यहाँ पे अगर थीटा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो साइन थीटा अपॉन थीटा वन होता है। ये हमें पहले भी, हमने लोअर क्लासेस में ये सीखा हुआ है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन थीटा है दैट इज़ 3x, तो यहाँ पे हम इसको, हम साइन थीटा अपॉन थीटा होना चाहिए था, मतलब कि 3x होना चाहिए था। तो यहाँ पे लेकिन साइन x है, तो हम ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे। कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे साइन थीटा है 3x, नीचे हम क्या करेंगे, अगर 3x अप्लाई करें, तो मतलब 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाए, कैसे आएगा, x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 3x अपॉन 3x मल्टीप्लाई 3x अपॉन साइन एक्स। सो ये वाला जो 3 है ये बाहर आ सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इक्वेशन बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 3x अपॉन 3x इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, ये ऑलरेडी साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1। ये एक्चुअली अपोजिट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1, रेसिप्रोकल भी 1 ही रहेगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो टेंजेंट थीटा अपॉन थीटा, मतलब कि एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि टेंजेंट थीटा अपॉन थीटा वन होता है, लेकिन हमें इतना पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा वन होता है। और अभी इसको हम क्रिएट कर सकते हैं साइन, क्योंकि टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर वाला जो एक्स है वो हम इसको अलग करके लिख देते हैं। तो ये लिमिट अप्रोच किसको करेगी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा, ये ऑलरेडी बन गया, इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 अपॉन कॉस एक्स। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिमिट ये वाला, इसका फॉर्मूला आपको पता है 1 है। यहाँ पे अगर देखें हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें, तो कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1, तो 1/1 भी क्या हो जाएगा, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। वो कैसे लिखी है, 3x² + 3, ये पावर में है, इज इक्वल्स टू 81। तो हमें यहाँ पे सॉल्व का मतलब, यहाँ पे हमें वेरिएबल एक्स सॉल्व करना है, लेकिन ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर की फॉर्म में है, तो इसको पहले नीचे लाना पड़ेगा बेस की फॉर्म में, फिर उसके बाद 3 हमें एलिमिनेट करना है, फिर इसका स्क्वायर एलिमिनेट करना है, तब जाके हमारे पास एक्स का वैल्यू आएगा। तो ये पावर तभी पार सॉल्व होगी अगर ये भी पार की फॉर्म में होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बेस 3 है, अगर इसका भी हम बेस 3 क्रिएट कर लें, तो ये किसका, ये बन जाएगा 3/4। तो देखिए बेस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 3 = 4, x² = 4 - 3, तो x² will be
1. Then we can write it as x is equals to plus minus 1. इसका जो टू वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 power x plus 1 मल्टीप्लाई 3 power x इज इक्वल्स टू 432. अब इसमें हम इस बेस को अलग करेंगे, 2 power x 2 and 3 power x. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसमें देखिए पार सेम है, इसका मतलब 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3. देन दिस 2 विल बी कम्स इन डिनोमिनेटर, 2 3 10 6, इट विल बी, इसको डिवाइड करेंगे तो 216. तो 6 पार एक्स क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब, 6 क्यूब होता है 216. तो बेस सेम है तो हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3. इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सॉल्व करिए और प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट टू power x 4x upon 2. अब यहाँ पे भी x सॉल्व करना है, तो ये जो रूट है इसका मतलब है इट हैज पार 1 upon 2 एंड x 4 upon 2. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगी x upon 2 4x 2. तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पावर है ये कितना है, 1. हम 4 को भी बेस 2 बना सकते हैं, दैट इज 2 square x 2 power 1. 2x upon 2 इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं पावर 2x. और अगर सेम बेसिस डिवीजन में हैं तो उनके पावर्स क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. अब ये देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम होते ही ये क्या हो जाएगा, x upon 2 2x is equals to 1. तो यहाँ पे x हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा x minus 4x upon 2. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x minus 4x minus 2 minus 3x is equals to minus 2. तो माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू हो जाएगा 2 upon 3. दोबारा से देख लीजिए एक बार. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो पावर है उसको सॉल्व किया, फिर 4 power x को भी 2 बेस बनाया और सेम बेस किया. सेम बेस करने के लिए हमने ये सब कुछ किया ताकि सेम बेस कैंसिल आउट हो सके और x के जो वैल्यूज हैं पावर्स हैं वो इक्वेट हो सके. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 3 अपॉन 2 माइनस x. तो इसको सॉल्व करने के लिए अब ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली इट इज लाइक दिस, ये एक्सपोनेंशियल का पावर है. तो एक्सपोनेंशियल का पावर है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ये पूरा जो पावर है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो हम इसको लेट कर सकते हैं एनी वेरिएबल से टी विच इज इक्वल्स टू दैट पावर. अब इसके बाद देखिए इसमें हम लिख सकते हैं ई पावर टी, लेकिन जैसे ही हमने इस पावर को चेंज किया तो इनके लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे. As x approaches to 2 positive, तो 2 minus x क्या हो जाएगा, 0.
अगर 2 माइनस एक्स जीरो है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो है तो ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी हो जाएगा और नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे तो उसका आंसर जीरो होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये एक्चुअली क्या है, लिमिट यहाँ पे हो जाएगा टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई पावर टी, तो इसका आंसर सेम है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए हमने पहले वेरिएबल टी एज्यूम किया था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नाइन। अब ऑब्वियसली बेस सेम हो सकते हैं इजीली, वेरी इजी क्वेश्चन, ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर, बेस सेम है तो पार्ट्स भी इक्वेट कर सकते हैं। पावर को इक्वेट किया तो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करें, इट विल बी एक्चुअली माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। यहाँ पे एक्स कॉमन निकल रहा है तो एक्स माइनस टू, यहाँ पे वन कॉमन निकला तो हमारे पास जो ब्रैकेट्स आई हैं उससे हमारे पास एक्स के वैल्यूज मिल जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे, दैट इज वन एंड टू। एक्चुअली दिस इज माइनस वन, माइनस वन एंड टू आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो करेंगे वो लॉगरिथम को लेकर होंगे। तो इससे पहले लॉगरिथम करने से पहले कुछ रूल्स हैं, वैसे बेसिक हमने किए हुए हैं फिर भी हम इसको एक बार समझ लेंगे कि अगर लॉग है हमारे पास एक्स वाई का, मतलब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई और उनका लॉग करना है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दोनों जो वेरिएबल हैं उनका जो लॉग है एडिशन में जा सकता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और ये भी पढ़ा है, हमने स्टडी किया है कि अगर ये डिवीजन में होंगे वेरिएबल्स तो हम इनके जो लॉग वैल्यूज हैं उनका हम डिफरेंस ले सकते हैं, न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर ये इसका वेरिएबल, कोई भी इसका वेरिएबल का पावर होगा तो ये पावर लॉग के लेफ्ट में चला जाएगा, ये बन जाएगा आर लॉग एक्स। और इतना भी हमें पता है कि लॉग ऑफ ई एक्स लॉग ई वन होता है तो इसका आंसर डायरेक्ट आंसर एक्स आ जाएगा। ई पावर लॉग एक्स होगा तो ई लॉग भी वन है तो इसका आंसर भी वन हो जाएगा, क्योंकि लॉग ई क्या होता है, वन। अब इन फॉर्मूलाइज को यूज करके हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन है लॉग फाइव टू एक्स प्लस वन माइनस टू लॉग फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। दिस इज लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का मतलब है दिस इज एक्चुअली लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स अपॉन वाई, ये है टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वन। और ये पावर में जाएगा क्योंकि हमने अभी अभी फॉर्मूला किया है तो उसमें हमने यही सीखा है, ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री स्क्वायर। और ये जो है लॉग बेस फाइव ये चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ये इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, लॉग ई पावर फाइव, और लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन सेम। तो टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा,
लॉग ई वन मतलब 5 के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x-1 इज इक्वल टू x-3 होल स्क्वायर, 2x-1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x² 45 30x। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x² प्लस 45 माइनस 30x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू माइनस 32x प्लस 44 इक्वल टू 0। इसके बाद इस पे हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड। आई थिंक आपको पता होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट टी मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2 इंटू 5। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 32 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1024 माइनस ये हो जाएगा 880। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 10 और ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 144, यू नो वेरी वेल रूट ऑफ 144 इज 12। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 12 अपॉन 10। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, 32 प्लस 12 अपॉन 10 एंड 32 माइनस 12 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 44 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 22 5 2। तो एक वैल्यू आ गया 22 अपॉन 5, दूसरा वैल्यू आ गया 2। तो दोबारा मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा दे रही हूँ। ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो पहले लॉग m अपॉन n किया, फिर बेस उस तरफ लेके गए ताकि लॉग ख़त्म हो जाए, और लॉग ख़त्म किया सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करने के बाद इसको किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, वेरियस मेथड्स हैं। तो मैंने इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड के साथ सॉल्व किया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व ई पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 1, ई पावर 2x प्लस 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल टू 1। तो पहले सबसे पहले तो हमें सॉल्व करने से पहले हमें इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन खत्म करना पड़ेगा। आपको पता है लॉग ई 1 होता है, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, लॉग ई 2x प्लस 3 लॉग 1। तो आपको पता है लॉग 1 0 होता है, लॉग ई क्या होता है 1। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूटी को लेकर है। क्वेश्चन है चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ which is defined as f is a function of x which is 1 minus root 1 minus x square और interval है इनका minus 1 into
फ्रॉम माइनस वन टू वन। तो सबसे पहले हम आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल जो है लेट करते हैं आर्बिट्रेरी। तो हम ले लेते हैं वेरिएबल ए विच इज आर्बिट्रेरी नंबर, तो इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, इसका वैल्यू भी इसमें ही लाई करेगा। तो फंक्शन एक्स हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ ए विच विल बिकम वन माइनस ए स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो हम इसको अब जो लिमिट है वो अप्लाई कर सकते हैं विच इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिमिट वन अगर अप्रोच करेंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो वन ही आंसर आएगा, लेकिन हमें लिमिट अप्रोच करना है, अप्लाई करना है रूट के ऊपर वन माइनस। तो यहाँ पे एक्चुअली ए है, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा हमारे पास वन माइनस ए स्क्वायर। ये जो वन माइनस ए है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स फंक्शन विच विल बी वन माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए के इक्वल, क्योंकि एफ ऑफ ए आ गया है। अगर हमारे पास एफ ऑफ फंक्शन किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूड। ये इसका रीजन है और इसका सोल्यूशन लिखेंगे, देयरफॉर एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन इंटरवल वन टू वन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आर्बिट्रेरी फंक्शन हमने लेट कर लिया, उसी का हमने वैल्यू अप्लाई किया जो क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन था। तो हमने एक्स अप्रोच करा यहाँ पे ए को, इस पे भी ए, अब देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लिमिट हमने अप्रोच किया तो उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो हमने देखा कि एफ ऑफ फंक्शन ही आर्बिट्रेरी फंक्शन के इक्वल आ गया है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, जिससे हमें ये पता चला कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे, आपने बोला था कि बीपीएम टीसी 121 के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए, तो इसीलिए हमने आपके लिए वीडियो अपलोड किया है। तो आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इस क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए ताकि हम आगे भी बढ़ सकें, आगे जो आप एग्जाम आने वाले हैं इसलिए जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन ख़त्म कर सकें। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए, इन क्वेश्चंस जो हैं इनमें से एनी टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं, क्योंकि हमने इसमें सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शंस भी हमने इसमें कंसीडर किए हैं, उसके अलावा लॉगरिदम और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हमने लेट कर लिए हैं इसमें, और उसके बाद लिमिट के क्वेश्चंस में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी ले लिए हैं, नेचुरल लॉग फंक्शंस भी ले लिए हैं, उसके अलावा हमने लॉगरिदम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। वो आप ऐसे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, और देखिए उसके बाद हम कैसे वेरिएबल को सॉल्व करना है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपनी जो आपको क्या नीड है, किस कोर्स कोड के लिए नीड है वो भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू और काइंडली वॉचिंग कोर क्लासेस।